हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि गेम्स फिर से कितनी पॉपुलर होती जा रही हैं। दोस्तों, अच्छे गेम खेलने के लिए चाहिए आपको एक अच्छा पीसी, बट कई बार हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते। बट दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल इसी रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 हज़ार रुपये खर्चने के बाद अपने लिए एक गेमिंग पीसी बनवा सकते हैं एंड साथ ही उसमें अच्छी से अच्छी गेम एक डिसेंट FPS पर खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पीसी बिल्ड करने के लिए कुछ मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। सबसे पहला मेन कंपोनेंट जो कंप्यूटर में लगाया जाता है वो है एक प्रोसेसर। दोस्तों, प्रोसेसर एक पीसी का दिल भी है। अगर आपका प्रोसेसर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा तो आपके बाकी के कंपोनेंट जितने भी आपने पीसी में लगाएंगे वो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस बिल्ड में जो मैं प्रोसेसर यूज़ करने वाला हूँ वो है AMD की तरफ से आने वाला राइजन 3 2200G। दोस्तों, ये एक APU है, मींस इसके अंदर आपको GPU भी साथ में इंटीग्रेटेड ही दिया जाता है। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका बजट लो है एंड अगर आप कोई भी GPU अलग से अपने सिस्टम में नहीं लगाना चाहते तो ये वाला APU आपके CPU के साथ ही इसके अंदर GPU इंटीग्रेट करने के बाद आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से अपने जितने भी GPU वाले काम हैं वो इसके साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से मैंने अपने बजट को भी कम देखते हुए इसी APU को इस बिल्ड के अंदर इंक्लूड किया। दोस्तों, ये राइजन 2200G एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, मींस इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 कोर एंड 4 थ्रेड। इसके अंदर आपको मिलता है रेडियन वेगा 8 का ग्राफिक। इसके अंदर आपको मिलता है 6 MB कैश। इसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा सकते हैं दोस्तों 3000 MHz की रैम एंड साथ ही इसका पावर इनपुट है 65 वॉट्स का। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इस बिल्ड के लिए ये बिल्कुल ही बेस्ट प्रोसेसर है जो आप अभी तक मार्केट में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेसर का ऑनलाइन प्राइस तो वैसे तो अभी 8000 है, बट आई एम श्योर अगर आप अपने नियर बाय ऑफलाइन मार्केट में चेक करेंगे या अगर आप दिल्ली के नियर बाय रहते हैं तो अगर आप वहां पर नेहरू प्लेस में जाकर इस प्रोसेसर को परचेज करेंगे तो यही प्रोसेसर आपको आराम से 7000 में मिल जाएगा। दोस्तों, अगली चीज़ जो एक कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है मदरबोर्ड, जिसके ऊपर एक्चुअल में प्रोसेसर चलाया जाता है। दोस्तों, जो मैंने इस बिल्ड के लिए जो मदरबोर्ड इस प्रोसेसर के लिए सिलेक्ट किया है वो आता है MSI की तरफ से, जिसका नाम है MSI B450M Pro M2। दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इस मदरबोर्ड के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 GB की रैम लगा सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट मिलता है ड्यूल चैनल रैम का। इसमें आपको मिलेंगे SATA 3 के 4 पोर्ट, 1 M.2 स्लॉट। इसके अंदर आपको मिलता है DVI-D का 1 पोर्ट, 1 VGA पोर्ट एंड 1 HDMI पोर्ट। मींस दोस्तों, इस मदरबोर्ड के साथ आप अपना LED कम TV एंड जितने भी आपके LED स्क्रीन्स आती हैं वो आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इसके फ्रंट में आपको मिलते हैं 4 पोर्ट 3.1 USB के। आपको बैक में मिलते हैं 2 3.1 USB पोर्ट। फ्रंट में आपको दिए जाते हैं 2 2.0 USB पोर्ट एंड आपको वहीं बैक में दिए जाते हैं 4 2.0 USB पोर्ट। ओवरऑल मुझे मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बजट बिल्ड के अंदर यही मदरबोर्ड मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फिट रहेगा। दोस्तों, इस मदरबोर्ड की प्राइस अगर आप ऑनलाइन सर्च करने जाएंगे तो आपको 6500 तक मिल जाएगी, बट अगेन अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेस करेंगे या ढूंढेंगे भी तो ये बड़ी इजीली आपको आराम से 6000 तक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इन सबको देख सकते हैं और उसके बाद परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब थर्ड चीज़ जो इस बिल्ड के लिए आपको परचेज करनी है वो है एक SMPS, मींस पावर सप्लाई। दोस्तों, इसके लिए आप एक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली पावर सप्लाई ले सकते हैं जो कि आती है कॉर्सियर की तरफ से, जो है कॉर्सियर VS450। दोस्तों, हमने अपने बिल्ड के अंदर कोई भी GPU नहीं लगाया है तो हमारी पावर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, सो इसीलिए मैंने कोर्सियर VS450 को इस बिल्ड के अंदर इंक्लूड किया है। दोस्तों, वैसे तो 450 वॉट भी इस बिल्ड के लिए इनफ है, बट अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं कोई हैवी ग्राफिक कार्ड लगाने का एंड अगर कोई भी मदरबोर्ड या कोई भी अपना प्रोसेसर चेंज करने का तो ऑन द सेफर साइड आप VS550 के साथ भी जा सकते हैं। वो VS450 से जस्ट 200 से 300 रुपये ही महंगा है। दोस्तों, वैसे कॉर्सर बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉर्सर VS450 के साथ ही जाना चाहिए। अगला कंपोनेंट जो आपको परचेज करना है वो है रैम। दोस्तों, ये भी आती है कॉर्सर की तरफ से ही। दोस्तों, इस बिल्ड के अंदर जो मैंने रैम इंक्लूड की है वो है 24 MHz की कॉर्सर वेंजेंस LPX 8GB की एक स्टिक। दोस्तों, अपना बजट अभी लो है इसलिए मैंने अभी इसके अंदर एक ही स्टिक को इंक्लूड किया है जो कि आती है 8GB, बट इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको और इसकी रैम इंक्रीज करनी है तो आप अपने मदरबोर्ड में वैसे भी हमें 2 स्लॉट रैम के लिए दिए गए हैं, सो आप बाद में एक और रैम स्टिक को परचेज करने के बाद अपने मदरबोर्ड में लगा सकते हैं।
दोस्तों इस प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड के साथ आपकी यही कॉर्सेट 24 मेगाहर्ट्ज वाली रैम काफी अच्छे से सिंक हो जाएगी एंड उसके बाद आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी। दोस्तों अगला कंपोनेंट जो आपको परचेज करना है वो है हार्ड डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क तो हम सभी जनरली हमेशा एक ही बहुत ज्यादा जो मार्केट में फेमस है वही परचेज करते हैं, तो आपको भी मेरे अकॉर्डिंग वही परचेज करनी चाहिए जो कि आती है WD की तरफ से, 1TB WD ब्लू 7200 RPM पे। दोस्तों ये रन होती है एंड ये काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी तक इस हार्ड डिस्क में बहुत ही कम या कहें बिल्कुल कंप्लेंट आई नहीं है, तो आप भी मेरे अकॉर्डिंग यही WD वाली हार्ड डिस्क को परचेज करें एंड अपने सेटअप में लगाएं। दोस्तों अब लास्ट कंपोनेंट जो इस बिल्ड के लिए आपको लेना है वो है एक कैबिनेट। दोस्तों अगेन कैबिनेट भी मैंने जो सिलेक्ट किया है वो भी आता है कॉर्सर की तरफ से, जिसका नाम है कॉर्सर स्पेक 1। दोस्तों ये कॉर्सर स्पेक 1 का जो प्राइस जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ ये MD कंप्यूटर्स पर अभी 2700 में मिल रहा है, बट अगर अगेन आप फिर से ऑफलाइन मार्केट में भी जाकर अगर इसको परचेज करेंगे तो आपको ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। दोस्तों इसके लुक वाइज एंड इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको फ्रंट में भी USB 3.1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये कैबिनेट ATX माइक्रो ATX एंड मिनी ATX मदरबोर्ड तीनों को ही सपोर्ट करता है, तो इन फ्यूचर अगर आप अपना मदरबोर्ड कभी भी चेंज करते हैं, कुछ भी आप चेंज करते हैं, तो ये कैबिनेट आपका वेस्ट नहीं होगा, आप इसमें अपग्रेड किसी भी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए इनका प्राइस ऑलमोस्ट 25,000 तक हो चुका है, बट दोस्तों एंड में जाते जाते मेरी एक और सजेशन आपको रहेगी कि आप अपना बजट थोड़ा सा 2,000 रुपये और बढ़ा लीजिए एंड अपने बिल्ड के अंदर एक SSD ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। दोस्तों इस बिल्ड के लिए 120GB की WD की तरफ से आने वाली ग्रीन SSD आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये सिर्फ मार्केट में 1800 से 2000 के बीच में आपको ईजिली मिल जाएगी। फिर आप अपने एक बार अपने PC में आप WD की SSD एंड एक हार्ड ड्राइव को कॉम्बो बनाकर चलाइए एंड अपने जितना भी सिस्टम की फाइल्स हैं, विंडोज़ हैं, वो SSD में इंस्टॉल करिए। उसके बाद देखिए आपका यही PC एक नॉर्मल हार्ड डिस्क वाले PC से 5 से 6 गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी दोस्तों इन सभी कंपोनेंट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इन्हें देख सकते हैं। एंड फिर भी एक बार दोस्तों अपने पास ऑफलाइन मार्केट में जाकर इन सभी के प्राइजेज आप कन्फर्म कीजिए, उसके बाद ही आप एक बिल्ड बनाने की सोचिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो एंड मेरी इसी सजेशन के बाद अगर आपने सेम बिल्ड को बनाया हो सो प्लीज़ उस बिल्ड को बनाने के बाद मुझे आप उनकी पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर टैग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ नीचे शो हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो अगेन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी दबा दें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहने के लिए। बाकी दोस्तों अगेन आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो सो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आप देखते रहिए टेक एंड टूल्स।